नोट 8 प्रो 8 128 GB, इसको मुझे सेल करना है और सेल करके वन प्लस का मोबाइल परचेस करना है। 800 आपको मुझे देने हैं, सो आपको ये मैं 6 मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा, तो आपको ये 1633 रुपए के EMI आएंगे। जो वन प्लस का मोबाइल था यहाँ पे हमको मिल चुका है कैसी फाइव से, तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो और आप लोग ने थंबनेल पे भी देखा कि मैं आया हुआ हूँ कहाँ पे, कैसी फाइव में। लेकिन जो हम लोग ने पिछली वीडियो बनाई थी भाई, आप लोग ने उसमें बहुत ज्यादा प्यार दिया था, 2 लाख प्लस व्यूज जा चुके हमारे उस वीडियो पे, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को भी आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यार देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आज आपको कि EMI पे आप लोग मोबाइल कैसे ले सकते हो। आई एम रियली सॉरी गाइस कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को नहीं बता पाया था कि हम लोग EMI पे मोबाइल कैसे ले सकते हैं, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है, मुझे उतने ही टाइम में वीडियोस क्रिएट करनी होती है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहोगे तो मैं आप लोगों के लिए यार 20-20 क्या 30-30 40-40 मिनट की वीडियोज जरूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियोज में बने रहना। मेरे पास कौन सा मोबाइल है सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक मोबाइल अवेलेबल है, पिछली वीडियो में 900 का मोबाइल हम लोग ने बेच के उसके लिए आईफोन 8 लिए थे। आज मेरा मोबाइल बेच के मुझे लेना है वन प्लस, तो ये मेरे पास है मेरा नोट 8 प्रो 8 128 GB, इसको मुझे सेल करना है और सेल करके वन प्लस का मोबाइल परचेस करना है। एक्चुअली मैं तुम्हारे भाई के पास ऑलरेडी 13 प्रो मैक्स है, तो आईफोन मुझे नहीं चाहिए था, मैंने कहा कि मुझे वन प्लस का ही मोबाइल परचेस करना है। तो मैं आप लोगों के लिए, मेरे घर के ही पास में है मणिनगर का ये वाला आप लोग रोड देख सकते हो ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ का मैं एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डिस्प्ले में भी एड्रेस चल रहा होगा, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, इसको सेल करके दिखाऊंगा और जो वन प्लस मुझे लेना है वो लूँगा EMI पे, और EMI का ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है वो भी बताऊँगा। और हमारे पास ओपन बॉक्स सेकेंड हैंड एंड रिफर्बिश मोबाइल अवेलेबल है वो भी बताऊँगा। तो चलिए आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है, तो आ जाओ मेरे साथ। और काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स आए हुए हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए उनको कहा कि सर सिर्फ आप 2 मिनट वेट कीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आ जाओ साथ में। यहाँ पे भाई बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। मंगेश सर से थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं और आपको बताते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा कस्टमर से बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे। देखो पीछे वो भाई कुछ कर रहे हो, डिस्प्ले टच डिस्प्ले है क्या? हाँ टच डिस्प्ले। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये भाई कुछ तो कर रहे थे। यहाँ पे देखो पूरा ऑप्शन अवेलेबल, अगर आप लोग कैसीफाई विजिट करोगे ना तो आपको यहाँ से पूरा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सर्च कर सकते हो कैसीफाई वगैरह। भाई देख लो यार काफी जबरदस्त डिस्प्ले यहाँ पे रखी हुई है। और भी बता दूं यहाँ पे हमारे सर बैठे हैं हमारे साथ में। सर आपका नाम? अक्षर। अक्षर धैर्य भाई क्या करने आए थे यहाँ पे? हम यहाँ पे फोन खरीदने आए थे। तो फोन तो दिखाओ आपका भाई। यार ये लोग देखो दो फोन खरीदे। कौन सा फोन बेचा आपने? मैंने बेचा आईफोन 12 मिनी के सामने ये सैमसंग S20 प्लस लिया। बराबर। आपने? और मैंने ओप्पो 2 थ्रेड लिया है। अच्छा, तो ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि कैसीफाई का यहाँ पे स्टोर है? ऑनलाइन और ऐसे मालूम पड़ी है वेबसाइट से। क्या बात है, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने भाई। बहुत देर से ये लोगों में बिठा के रखा था, थैंक यू सो मच। अभी आप लोग जा सकते हो भाई, ये लोग ने मोबाइल परचेस किए। अब मैं हमारे सर से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर करूंगा। सर कैसीफाई क्या क्या देता है सबसे पहले वो बताओ। कैसीफाई सर आपको हमारे यहाँ पे आपको ओपन कैटेगरी के फोन्स मिलते हैं, सेकंड हैंड में यूज्ड फोन ओपन कैटेगरी प्लस रिफर्बिश भी आते हैं, प्लस हम सर्विस देते हैं जैसे रिपेयरिंग भी करते हैं हम, ठीक है, एसेसरीज भी हम सेल करते हैं। क्या बात है। प्लस दूसरी चीज हम बायबैक भी करते हैं, जैसे हम फोन परचेज भी करते हैं। मतलब अगर आप लोग आपके घर पे कैसीफाई की एप्लीकेशन डाउनलोड करके इनको बोलोगे कि मुझे मेरा मोबाइल बेचना है, आप घर पे आके लेके जा सकते हो क्या? तो वो आपके घर पे आएंगे, आपका मोबाइल परचेज करेंगे और आपको ऑन द स्पॉट कैश दे देंगे, आपका काम एकदम इजी। एंड सेकंड थिंग मैं बता दूं तो कैसीफाई जो है सेकंड हैंड मोबाइल, पूरे इंडिया में सेकंड हैंड मोबाइल पे एक ऐसा ब्रांड है जो वारंटी देता है, हर कोई ब्रांड वारंटी नहीं देता। वारंटी कितने दिन की मिलती है सेकंड हैंड मोबाइल? सेकंड हैंड मोबाइल में आपको 6 मंथ की वारंटी मिलेगी। एंड
एक चीज और बता दूं कि रिपेयरिंग के ऊपर भी ये लोग वारंटी और गारंटी देते हैं, तो रिपेयरिंग के अंदर क्या सीन है? रिपेयरिंग में अगर आप समझो कि आपने डिस्प्ले चेंज किया, हाँ, ठीक है, तो उसमें 6 मंथ की वारंटी रहेगी, ओके, और 1 मंथ की रिप्लेसमेंट ब्रेकेज वारंटी रहेगी। अगर आपके हाथ से अगर फोन टूट भी जाता है, हाँ, डिस्प्ले उसका, हाँ, तो उसकी 1 मंथ की रिप्लेसमेंट वारंटी रहेगी। काफी ज्यादा लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि भाई यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है सेकेंड हैंड मोबाइल, तो मैं बता दूं यार, पूरा मार्केट, पूरे दिल्ली का मार्केट, पूरे अहमदाबाद का मार्केट तुम्हारे भाई ने घूम चुका है। सेकेंड हैंड मोबाइल आप लोग एक बार शॉप से नीचे उतर गए ना, तो आपको पैसे वापस नहीं मिलते, ठीक है? तो सेकेंड हैंड मोबाइल पे जो गारंटी, वारंटी, जो रिप्लेसमेंट जो भी है, ये लोग जो दे रहे हैं रिपेयरिंग पे, तो उसका ही ये लोग चार्ज ले रहे। थोड़ा सी एक्सपेंसिव होता है लेकिन ट्रस्टेड है भाई। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो मेरा हमारा मेन टॉपिक है कि EMI पे कैसे लेना है, मैं वो करने जाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी इंडिया के कोई भी कैसीफाई स्टोर पे या गुजरात के अहमदाबाद के कोई भी कैसीफाई स्टोर पे जाते हो और मेरा नाम लोगे या नहीं लोगे और बोलोगे वीडियो देखा है, या फिर भी आप लोग जाते हो तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। राइट राइट, ठीक है। तो कोई भी चीज़ लो आपको 500 का डिस्काउंट मिलेगा रिपेयरिंग पे या सेकेंड हैंड मोबाइल पे। तो हमारे पास सर ये है, ओके, 8 128 GB, इसको मुझे सेल करना है और मुझे लेना है 1+ का कोई भी मोबाइल जो अंडर 25,000 या 20,000 हो। Okay. तो मुझे इसका रेट बता दो ना, इसका कितना रुपया मुझे है मिलेगा? ओके सर, जब तक सर इसको चेक कर रहे हैं कि इसका हमको कितना पैसा मिलेगा, तब तक हमने जो डिस्प्ले में आप लोगों के लिए मोबाइल लगाया हुआ है तो उसका थोड़ा बहुत रेट जान लेते हैं, जो सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड और ओपन कैटेगरी के मोबाइल्स हैं। आ जाओ अंदर। तो ज्यादातर लोग, आपको अगर कभी भी विजिट करोगे तो आपको सारे पीसेस दिखाए जाएंगे, आप लोग सब देख सकते हो यहाँ पे आके। तो आ जाओ साथ में। और यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं और आप लोग देख सकते हो, देखो। तो एक एक मोबाइल मैं आपको उठा के दिखाऊंगा और उसका क्या प्राइस है। सर सबसे पहले हमारा ओपन बॉक्स कैटेगरी का कोई भी, जैसे ये है एप्पल का है, ये ओपन कैटेगरी का फोन है जी। ये है, फिर मेरे पास सैमसंग का है A53, ठीक है, ये भी ओपन कैटेगरी का। इसका सर प्राइस बताते जाओ। हाँ, एक्चुअली ये सर आपको A53 है, 5G, अभी लेटेस्ट है जो 5G में है, ये आपको 30,000 के रेंज में है, ओके, मिल रहा है अवेलेबल, ओके, ठीक है, 128 GB है, ओके। फिर X60 है 256 GB, हाँ, X80, हाँ, वीवो, वाओ, याला देख सकते हो। तो इसका क्या प्राइस है सर? इसका आपको 45,000 है, 45,000 में मिलेगा, ओके। आईफोन की अगर बात करें सर इसका, तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे आईफोन रखे हुए हैं। ये 12 है, आईफोन 12, ये वाले आईफोन 12 है, देख सकते हो 12 है। इसके आपको, हाँ, इसको आपको प्राइस सर ये 65,000 का मिलेगा। वारंटी बाकी है इसकी? हाँ, वारंटी बाकी होगी सर इसकी, अवेलेबल है इसकी। नाइस। और अभी हमारे को सर रिफर्बिश ओपन बॉक्स हो गया, और रिफर्बिश मोबाइल रखे हुए क्या रिफर्बिश में? जैसे कि ये है मेरे पास OnePlus 9 Pro, ओके, तो इसका क्या प्राइस है सर? इसका प्राइस आपको सर 51, ओके, 51,000 में पड़ेगा। ये नया कितने का आता है सर? ये नया आता है आपको सर 65 के अराउंड आता है सर, 65,000 के अराउंड आता है, ओके। तो यहाँ पे और देखते हैं और कौन सा सर हमारे पास मोबाइल। ये है के एप्पल 11 है, ओके, ये भी इसमें है मेरे पास, ये आपको 36 के अराउंड पड़ेगा, 36,000 रुपीज में। ये रिफर्बिश्ड है कि ओपन बॉक्स है? ये रिफर्बिश है, ओके, रिफर्बिश्ड है। कितना GB है सर ये? ये 128 GB है, 128 GB, लेकिन जो भी इसके अंदर काम हुआ होगा वो कंपनी का काम, कंपनी का काम होगा, इस पर वारंटी भी मिलेगी, मिलेगी सेकंड हैंड पे। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे और भी मोबाइल हैं, और कौन सा बच रहा है आपको पता है कुछ ऐसा? उसके बाद मेरे पास जैसे कि एक रियलमी में जा रहा है, तो रियलमी में मेरे पास ये G2 है, G2 Pro, ठीक है, ये आपको 49,000 के अराउंड पड़ेगा, ओके, ठीक है, ये फोन, ओके। फिर नेक्स्ट आपको रेडमी में जाना हो जी, रेडमी में तो MI में आपको ये पड़ेगा Note 10 Pro Max जी, ये आपको 15,500 में पड़ेगा, 15,500 का पड़ेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा बाहर, और हमारा मोबाइल का प्राइस आ चुका है तो वो देखेंगे सबसे पहले। और हमने एक मोबाइल परचेस किया हमारे लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कितने रुपए का डिफरेंस आया। एक्चुअली मैं एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को कि मेरी जेब में से एक रुपया नहीं गया और मुझे मोबाइल मिल गया। तो हम लोग चेक करते हैं सर, यहाँ पे सर ने चेक किया और सर आप दिखा देना, दिखा दो एक बार। तो इसका क्या प्राइस आया आप लोग मोबाइल में देख सकते हो, Note 8 Pro का आ गया हमारा 9,700 रुपये हमारे मोबाइल का आ गया, 8 128 GB का, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये वाला सर, ये अपना कौन सा मोबाइल था ये? ये Note 2C, वन प्लस वन पर नोट टू सी सी टू सी टू
काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बेस्ट कंडीशन है, टफन लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये वाला सर कितने का मुझे दे रहे हैं आप? ये आपको पड़ेगा 20,000 का, 20,000 का पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा कहाँ गया मोबाइल सर? ये रहा हमारा मोबाइल, ये हमारा जा रहा है 9,700 में जा रहा है, ये हमको पड़ रहा है 20,000 का, तो हमको देना है 10,300 प्लस। उसमें मैं आपको, मैं मुझे लेना ही है ना, डिस्काउंट तो मैं लूंगा क्योंकि मैंने स्टोर विजिट किया, तो 500 रुपया तो लेना ही पड़ेगा। राइट राइट सर। तो 500 रुपया माइनस करेंगे तो कितना देंगे? 9,800। तो मुझे सिर्फ 9,800 पे करना है, लेकिन मैं वो भी नहीं देने वाला, उसका भी ईएमआई हो जाएगा। तो सर ने ईएमआई कैलकुलेट किया है, सर बता दो ईएमआई का ऑप्शन बता दो सबसे पहले। ईएमआई में अगर समझो मेरे पास जेस्ट मनी है, जेस्ट मनी से आप ईएमआई कर सकते हो, ठीक है। फिर क्रेडिट कार्ड का ईएमआई कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से आपको ईएमआई पे कर सकते हो, प्लस डेबिट कार्ड में प्री अप्रूव्ड लोन्स होती है जी, तो उससे भी आप कर सकते हो। तो जेस्ट मनी एक एप्लीकेशन है, जहां से एक वेबसाइट है जहां से आपका डिटेल्स डाल के लोन अप्रूव कर सकते हो और वो ईएमआई कन्वर्ट हो जाता है, हो जाता है। तो हमारा जो ईएमआई आया है जेस्ट मनी से, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सर बता दो ना कितना आया था आपका, जैसे मैं बता दूं तो यहाँ पे आओ, थोड़ा कैलकुलेट करके दिखाते हैं आप लोग को कि आपका 9,000 में 800 आपको मुझे देने हैं, सो आपको ये मैं 6 मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा, तो आपको ये 1633 रुपए के ईएमआई आएंगे, 1633 रुपए के छह महीने के हमको ईएमआई मिलेंगे। तो ये मैंने लिया जेस्ट मनी, बहुत ही बेस्ट। कोई भी इंसान जो भी 18 प्लस होगा, ठीक है, और जो इंसान जॉब करता हो या बिजनेस कुछ भी करता, ठीक है, बस उसका सिविल रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए, मेन थिंग ये है, नहीं तो डेबिट पे भी नहीं मिलेगा और जेस्ट मनी पे भी नहीं मिलेगा। और आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, वहाँ पे भी ईएमआई हो सकता है, डेबिट कार्ड पे हो सकता है, जेस्ट मनी से हो सकता है। बहुत सारे फीचर के अंदर और भी ऐसी चीज आने वाली जहाँ से आप लोग इजिली ईएमआई पे मोबाइल परचेस कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको मिलने वाली है वारंटी। तो 2-3 चीज मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ जब तक मैं ये मोबाइल पैक करवा लूँ। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि रिपेयरिंग भी काफ़ी ट्रस्टेड होती है यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे सर रिपेयरिंग कर रहे हैं, आप लोग फेस टू फेस देख सकते हो कि क्या रिपेयरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ कोई मोबाइल हमारे कस्टमर्स लेके आए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम जगदीश प्रजापति। तो सर ये क्या अभी कौन सा मोबाइल? मेरा ओप्पो F3 मोबाइल है, उसका स्पीकर थोड़ा खराब है, उसका स्पीकर पे आवाज नहीं आ रही है। तो ओके, यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ से काफी बार विजिट किया, मैंने बहुत सारे फोन भी रिपेयरिंग करवाया हुआ है, आवाज सर्विस अच्छी मिली हुई है, तो एक बार विजिट किया है। क्या बात है। तो यहाँ पे भाई रिपेयरिंग भी काफी जबरदस्त होती है, रिपेयरिंग के अंदर भी वारंटी आप लोगों को मिलती है, तो वो मैं आपको कुछ यहाँ पे डिस्प्ले पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये सारा फोन प्रो, व्हाट यू गेट विथ योर फोन। तो यहाँ पे आप लोग देखो, फोन प्रो चार्जिंग एडेप्टर इनोवोस मिलेगा आपको, 6 मंथ वारंटी मिलेगी, फोन प्रो USB केबल मिलेगा आपको। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि ये आपको क्या क्या देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख सकते हो, बाय न्यू फोन एट हाफ प्राइस, न्यू मीन्स रिफर्बिश्ड फोन, ठीक है। तो ये भी सारा ओपन है भाई, सब कुछ एकदम ओपनली ये बता रहे हैं आपको कि क्या क्या है। एंड अगर आपको एसेसरीज भी चाहिए तो एसेसरीज भी आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड एसेसरीज मिलेंगी, ओरिजिनल एसेसरीज मिलेंगी, एक भी फर्स्ट कॉपी आपको यहाँ पे एसेसरीज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारा मोबाइल पैक हो चुका है और मैंने परचेस कर लिया हमारा वन प्लस का मोबाइल, जो काफ़ी ज़्यादा दिनों से मुझे चाहिए था। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मेरी जेब में से कुछ भी नहीं गया, बिना इन्वेस्ट किए, बिना पैसे डाले मैंने एक मोबाइल परचेस कर लिया है। बस ये था कि हमारा जो नोट 8 प्रो था उसको मैंने सेल कर दिया है 9,700 का, और हमारा जो वन प्लस का मोबाइल था यहाँ पे हमको मिल चुका है Casify से। तो भाई काफ़ी ट्रस्टेड है, काफ़ी बढ़िया है। तो ये पूरा EMI ऑप्शन, कोई भी इंसान 18 प्लस होगा जिसका सिविल रिकॉर्ड अच्छा होगा, अगर आपने कभी कुछ लिया भी नहीं होगा तो एक बार ज़रूर Casify विजिट करना, आपको आपके मोबाइल पर EMI हो जाएगा, EMI का कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे सर हैं, सर थैंक यू सो मच, और कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर अगर आप ऑनलाइन में पेमेंट करते हो तो हमारे पास Amazon Pay का भी ऑप्शन है सर। ओके, ये देखो, ये Amazon Pay का ऑप्शन, अगर ऑनलाइन आप लोग पेमेंट करते हो तो Amazon से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप Amazon से भी आप कर सकते हो ऑनलाइन, यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्ट, मतलब हर एक ऑप्शन ऑप्शन अवेलेबल है, हर एक चीज, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के लिए Casify खुला हुआ है, कमाने के लिए नहीं खुला हुआ, मुझे ऐसा लगता है। राइट, और सर्विस दे रहे हैं, पूरे इंडिया में इनके स्टोर्स हैं, गुजरात में स्टोर्स हैं, अहमदाबाद में, तो तुम्हारा भाई स्टोर सारे विजिट करेगा एक एक करके। आपको नेक्स्ट वीडियो Casify से क्या चाहिए वो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। तो ये हमारा मोबाइल हमने परचेस कर लिया है बिना कुछ पैसे डाले हुए, तो वीडियो को लाइक करना है आपको। तो हम लोग चलते हैं, थैंक यू सो मच मंगेश सर अपना टाइम देने के लिए। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।
अपना टाइम देने के लिए। तो सर माइक मुझे मिलेगा क्या मेरा? ओके सर, तो अभी हम लोग सीधा बाहर निकलते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सीधा बाहर और आप लोग को बताते हैं कि आगे करना क्या है। ऐसा अगर आप लोग को इस वीडियो में मजा आई होगी तो भैया वीडियो को बनता है लाइक, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, काफ़ी सालों से तुम्हारा भाई 2 लाख पे अटका हुआ है भाई, कम से कम 3 लाख तो क्रॉस करवाओ यार, बोलना पड़ता है आप लोगों को। और पूरे गुजरात का और पूरे अहमदाबाद में अभी तक 2 KC5 स्टोर मैंने विजिट किए हैं, अभी जितने और भी खुलेंगे वडोदरा सूरत सब जगह तुम्हारा भाई विजिट करेगा KC5 के स्टोर में और आपको सारी डिटेल्स बताएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग आईफोन के दीवाने हो या एंड्रॉयड मोबाइल या कुछ भी, तो भाई तुम्हारा भाई है पूरे अहमदाबाद में पूरे गुजरात में तुमको बताने के लिए कि मोबाइल कहाँ पे अच्छे मिलते हैं, वो भी EMI पे। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है? तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं भी थक गया, मोबाइल ले लिए, अब चलेंगे घर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।